हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का मैराथन कार्यक्रम, जिसमें हमें हजारों युवाओं और नागरिकों ने सुबह सुबह हिस्सा लिया, लोगों ने तिरंगा लेकर कार्यक्रम में भाग लिया है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों में उत्साह और जोश आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया है, जिससे पूरे विश्व में लोगों को लाभ मिल रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारा युवा नशे से भी दूर रहता है। आज से तिरंगा यात्रा की भी शुरुआत हुई है। हमने हर घर तिरंगा लहराने का भी अनुरोध किया है। का कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था। हजारों युवा रेवाड़ी के नागरिकों ने आज उस मैराथन में सुबह सुबह 5 बजे हिस्सा लिया है। आज मैराथन तिरंगा लेकर के लोग निकले हैं, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे मैराथन के अंदर आए हैं उनको इनाम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इससे बच्चों में एक उत्साह भी आता है। उत्साह के साथ साथ बच्चे कुछ करने के लिए उनमें जोश भी आता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया और उससे देश के लोगों को पूरे विश्व के अंदर लाभ मिल रहा है। अगर हम योगा की बात करें, योगा के माध्यम से भी पूरे विश्व के अंदर आज लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हमारा युवा इस प्रकार के कार्यक्रमों से वो नशों से भी दूर रहता है, उसमें नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकास की गति बनती है और लोग एक ठीक दिशा में युवा आगे बढ़ता है। और आज से ये तिरंगा यात्राएं शुरू हुई है। हमने अपील किया है कि हर घर तिरंगा, हर वर्ष जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है, हर घर के ऊपर लोग तिरंगा लगाते हैं। अब की बार भी एक हर घर पे तिरंगा लगाएं, ये संकल्प लेकर के जो देशभक्ति की भावना आगे आती है। और हम जब देखते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत सुरक्षित और मजबूत हुआ है, भारत की समस्याओं का समाधान हुआ है। और आज गरीब व्यक्ति तक सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके उनको मजबूत करने का काम किया है। लगातार सरकार, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, या नए कॉलेजेस बनाने की बात हो, नई यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, नई ज्यादा MBBS की सीटें पिछले 10 वर्षों में क्रिएट करने की बात हो, लगातार ये सरकार हमारी एक मिशन मोड के अंदर पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है। आज युवाओं में जो उत्साह, जो जोश भरा है कि आज सरकार बिना पर्ची, बिना खर्ची के ईमानदारी से युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। आज इस मैराथन के अंदर मैं आया था। मैं सभी को, रेवाड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।